आईएएस की मेन परीक्षा, आईएएस की मेन परीक्षा में क्या होता है, मेन परीक्षा में इस जो परीक्षा है इसमें बौद्धिक गुण और उनके गहन ज्ञान का आकलन करना इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। उसकी सूचना भंडारण यानी कि उसे कितना याद है या उसकी स्मरण शक्ति का आकलन करना इसका नहीं होता है। उसके ज्ञान का वो किस तरीके से उपयोग कर रहा है, अपने बौद्धिक गुणों का किस तरीके से उपयोग कर रहा है, ये इस एग्जाम का उद्देश्य है वो होता है। और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र जैसे कि प्रश्न पत्र सेकंड से लेकर प्रश्न पत्र फाइव तक है, इनके प्रश्नों का स्वरूप है और इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति होता है बिना किसी विशेष अध्ययन के इसका उत्तर दे सकता है। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विशेष या विविध विषयों पर उम्मीदवार को सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सकता है जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होते हैं। प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि सभी जो प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार को आधारभूत समझ हो और विशेष सामाजिक आर्थिक लक्ष्य उद्देश्य और मांगों का विश्लेषण किस तरीके से किया जाए, अपने दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करना है इसका उद्देश्य होता है। उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार बैठता है वो सार्थक और सारंग गर्भित उत्तर उसका दे सकता है यानी कि जो भी उत्तर है सही हो। परीक्षा के लिए जो वैकल्पिक विषय होता है वो 6 और 7 नंबर जो पेपर है वैकल्पिक विषय का होता है यानी ऑप्शनल का होता है। जो ऑनर्स डिग्री अर्थात स्नातक डिग्री से ऊपर मास्टर डिग्री से नीचे का ये स्तर लेवल है होता है यानी कि डिग्री से ऊपर मास्टर डिग्री से नीचे। और इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान ऐसे भी मामले हैं वहां पर ये स्नातक की डिग्री तक ये सीमित होता है। उसके बाद में भारतीय भाषाओं में से एक भाषा में ये निबंध होते हैं, अंग्रेजी भाषा में निबंध, छोटे निबंध और उनका हिंदी इंग्लिश अनुवाद इस तरीके से होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न पत्र फर्स्ट में क्या पूछा जाता है। तो टोटल कितने होते हैं, 7 पेपर होते हैं यहाँ पर। तो 7 पेपर में पहला पेपर जो होता है उसमें पूछा जाता है निबंध लिखना। तो निबंध है 250 नंबर का होता है और ये निबंध है इसमें उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि जो विषय दिया हुआ है निबंध का उसी पर केंद्रित रहे और अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें, जो भी आपके विचार हैं उनको संक्षेप में लिखें, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाते हैं यानी जो आप अच्छे विचार लिखते हैं उन्हीं के लिए अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये 250 नंबर का पेपर फर्स्ट होता है। फिर पेपर सेकंड होता है, इसमें पेपर सेकंड के अंदर क्या आता है, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। तो भारतीय विरासत और संस्कृति के अंदर जैसे कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। इसमें 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय क्या रहे हैं, स्वतंत्रता के संग्राम, विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में अपना योगदान कैसे दिया या देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, स्वतंत्रता के बाद में देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन किस तरीके से हुआ, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता और महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षा के उपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या है, विश्व भर के मुख्य जो प्राकृतिक संसाधनों का विवरण जैसे दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों का शामिल करते हुए विश्व या भारत के सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के उद्योग स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण
भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान पर अति महत्वपूर्ण और भूगोलीय विशेषताएं जैसे जल स्रोत और हिमावरण सहित वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव हम देख सकते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है, पेपर सेकंड का ये सिलेबस है कंप्लीट। उसके बाद में पेपर थर्ड आता है, पेपर थर्ड में इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है यानी भारतीय व्यवस्था है।